प्रदेश में निजी स्कूल संचालक अब आंदोलन की राह पर है। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति अब लामबद्ध है और शिक्षा मंत्री के बयानों को बेतुका बताते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में 11 लाख प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक, उनके संचालक और परिजन मजबूर हो गए हैं। प्रभावित हुए निजी स्कूलों की स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा मंत्री के बयानों का विपरीत प्रभाव पड़ा है और प्रदेश में स्कूल संचालकों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली है। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति ने कहा कि शिक्षा मंत्री दिए गए लिखित आदेश को हफ्ते भर में वापस ले। ये आदेश पूर्ण रूप से अव्यवहारिक और गैर कानूनी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय स्कूलों की फीस जमा कराने का आदेश दे चुका है। पूरे राज्य में संयुक्त संघर्ष समिति शिक्षा बचाओ के चल रहे हैं ज्ञापन के कार्यक्रम। अगर सरकार ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसके आगे रणनीति, फिर इसके आगे हम आंदोलन को और तेज करेंगे। किस तरह का आंदोलन रहेगा? आंदोलन इस तरह का रहेगा कि हर जो भी जिले हैं उन जिलों में हम जाकर धरना प्रदर्शन उसको करेंगे। साथ में मेरा निवेदन यह है, इसमें जो खास बात यह है कि जो सभी क्षेत्र को सरकार ने इसमें महामारी में राहत दी है, निजी स्कूलों का कैटेगराइजेशन नहीं किया है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय अलग हैं, मध्यम स्तरीय अलग हैं, CBSE के अलग हैं, सभी को एक ही आदेश से करने के कारण लाखों जो अध्यापक जो बेरोजगार हुए उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। उसकी हमारी कुछ विद्यालय जिम्मेदारी ले रहे थे, चूँकि उन्होंने फीस नहीं लेने का जो डेफर करने का आदेश दिया, उससे सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई और उससे जो चल रहा था, जो कुछ टीचर्स को दे पा रहे थे वो नहीं दे पा रहे। देखिए, शिक्षा मंत्री जी से हमें ये पीड़ा है, हम हमारा दर्द बयां करना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आप टीचर्स का, शिक्षकों का सम्मान करना सीख लीजिए। शिक्षक सम्माननीय होता है। जो आपने वर्डिंग्स कहे कि थर्ड ग्रेड का मास्टर मुझे सिखाएगा क्या करना है, गेट आउट, वो शब्द आपको नहीं कहने चाहिए। आप जिस पोस्ट पे, जिस पद पे बैठे हो, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और आप किस प्रकार के बेतुका बयान दे रहे हैं, सिलेबस जारी नहीं किया आपने, स्वयं ने स्माइल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो आप पढ़ा रहे हो, तो क्या पिछले सत्र का पढ़ा रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हो साहब अभिभावकों को? क्यों गुमराह कर रहे हो देश की जनता को? ऐसा नहीं करना चाहिए। या आप हमें ये बता दीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट से, हाईकोर्ट से बड़े हैं तो हम वैसे कार्रवाई करें, हमें ये बता दीजिए। तो इस प्रकार के बयान ना दीजिए। आप खाली सरकारी स्कूलों के शिक्षा मंत्री नहीं है साहब, आप प्राइवेट स्कूलों के 60 लाख बच्चे, 38,000 स्कूल, 11 लाख कर्मचारियों के भी शिक्षा मंत्री है।